हरे कृष्णा, स्वागत है आज के हमारे इस रिएक्शन वीडियो में। आज रिएक्ट करने वाले हैं आदि पुरुष, जो मूवी का टीजर आया है प्रभास की, सैफ अली खान की, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चर्चित मूवी रही है अभी तक की, जिसपे सब कोई वेट कर रहा था कि यार कब आएगा, कब कोई पोस्टर, कब कोई टीजर रिलीज होगा। फाइनली हो गया है। भगवान राम के ऊपर कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड मूवी है ये। और जब पहला बार इसका अनाउंसमेंट हुआ था तब से ही हल्ला मच गया था। तो टीजर आ गया है, कैसा है टीजर, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे और आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त पहनी है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम की टी शर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टी शर्ट है। आप हमारे vrvispy.com वेबसाइट पर जाके अपने लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, अच्छी लगेगी आपके ऊपर, आई एम डैम श्योर। तो जाइए खरीदिए और जब तक रिएक्शन देते हैं। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्ण। ओके, तो शुरू करते हैं। गुलशन कुमार टीवी प्रेजेंट्स। ओके, धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। ये तो मानना पड़ेगा कि प्रभास ने अपने आप को फिर से एकदम बाहुबली वाले शेप में ले आया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुरुआत अच्छी लगी मुझे, जिस तरीके से पहाड़ों का सीन है और फिर पानी के अंदर भगवान राम तपस्या कर रहे हैं, सो अच्छी है शुरुआत। सर्वनाश। रावण। आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। हनुमान जी आ गए, जय हो। ओके, सो टीजर आ चुका है। कहते हैं कि ये लगभग 500 करोड़ की फिल्म है और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है रिलीज, इसका टीजर ने आते ही। कहते हैं अभी मैं जस्ट चेक कर रहा था तो 17 घंटे में 57 मिलियन व्यूज हैं। वाओ, इतना नहीं आता जल्दी किसी का, तो आई गेस इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे अब तक जो भी रिकॉर्ड होंगे इससे पहले। मेरा क्या रिएक्शन है देख के टीजर को, तो मैं बताऊँ तो मेरा ना मिक्स है। मतलब कई कई जगह रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसे एंड जब हो रहा है जय जय श्री राम का जब नारा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। शुरुआत जैसे होती है भगवान राम को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, तपस्या करते हुए पानी में, बहुत अच्छा है। मैं रावण से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, नहीं नॉट बिकॉज सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं, सैफ अली खान एक अच्छा एक्टर है नो डाउट, उनका जो लुक्स है ना यार वो रावण वाली फीलिंग नहीं दे रहा। अब देखो हम बचपन से रावण के बारे में पढ़ते हैं तो जिस तरीके से रावण को पोर्ट्रे किया है रामानंद सागर ने या अदर्स ने, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कंपैरेटिवली। यहाँ उसके हेयर कट से मुझे थोड़ा अजीब लगा, हेयर कट नहीं अच्छा लगा, बहुत शॉर्ट है जैसे अभी उसके नॉर्मल मूवीज़ में भी है। VFX अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है बहुत ही वीक है 500 करोड़ के बजट के हिसाब से। मुझे लग रहा है 100-150 करोड़ से अकेले प्रभास ने तो नहीं ले लिए। मुझे लगता है जब तक मूवी आई है 2023 में रिलीज होगी तब तक VFX अच्छे हो जाएंगे, अभी तो वीक है। तो मैं ज़्यादा अभी बहुत कुछ बोलूँगा नहीं, जब ऑफिशियल ट्रेलर आएगा तब बात करेंगे, या मूवी जब रिलीज होगी तब बात करेंगे कि मूवी के अंदर अच्छा क्या था बुरा क्या था, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बट जो दो तीन चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो था, जिसमें से एक तो रावण का लुक और जो VFX दिख रहे हैं
वो बहुत ही नकली से लगे मुझे। आई होप उस पर काम होगा। शिक्षार्थकम का काम है हमेशा आप लोगों को रिलीजियस चीज़ों पे जब भी बात हो रही है तो आपको एक पर्सपेक्टिव देना, एक विज़न देना, जो कि मैं देना चाहता हूँ। सी, मूवी कभी भी रिलीज़ हो फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ ऑडियंस हम लोग कैसे देखें इन सब चीज़ों को वो मैटर करता है। आप मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि अब रामायण के ऊपर मूवी आ रही है, भगवान राम की मूवी ऊपर मूवी आ रही है तो सब कुछ अच्छे से बताएंगे, पॉसिबल नहीं है। बॉलीवुड में हो आप लोग, सालों से वीडियो देखते आ रहे हो क्या क्या होता है, सत्यानाश करते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर रही है, बट हम लोग ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। अगर हमें रामायण को अच्छे से समझना है तो हम ये ना सोचें मूवी बन गई है अपने बच्चों को दिखाएंगे बोलेंगे सीखो इससे, बट रामायण से कुछ सीखना है तो सबसे पहले रामायण को पढ़ना पड़ेगा। आप रामायण पढ़ के जाइए, तब आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है। बिकॉज आप रामायण में पढ़ेंगे भगवान राम के बारे में तो आपको पता चलेगा राम भगवान जब वॉक भी करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड चीज़ है, मतलब लोग देखते रह जाते थे कि वाओ प्रभु राम वॉक कर रहे हैं, इतना अट्रैक्टिव है उनका वॉक करना। तो रामायण में बहुत डेप्थ में छोटी छोटी चीज़ों को, भगवान राम के कैरेक्टर को, भगवान राम के हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया। तो अगर आप जब पढ़ के जाएंगे या किसी साधु से सुन के जाएंगे जो अच्छे से रामायण की डेप्थ को बताता हो, ये सब जान के आप देखोगे ना मूवी, तो आप रियल में परख पाओगे मूवी सही है या गलत है या सिर्फ बना दी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, कुछ सालों पहले एकता कपूर ने महाभारत बनाई थी जो कि कुछ महीनों बाद ही बंद हो गई थी। उसमें दिखाया है कि जो द्रौपदी है उसमें टैटू है और जो पांडवाज जो कौरवाज है वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो एक्चुअली इंडियन स्टाइल के कपड़े हैं ही नहीं, वो भारतीय वैदिक क्लोथ्स नहीं है। वो बताया क्या है, उस वैदिक क्लोथ्स में उन्होंने ग्रीक कल्चर, रोमन कल्चर, खासकर रोमन कल्चर घुसेड़ दिया, उसको मिक्स करके अलग ही सा कुछ बना दिया कि ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहन रहे हैं वो लोग। तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इंडियन स्टाइल क्लोथिंग या भगवान राम इस तरीके के कपड़े पहना करते थे। तो मुझे लगता है कि मूवीज़ में यहाँ पे इवन जो रावण का ड्रेस लगा या फिर राम जी का भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि रावण साइड मुझे थोड़ा वीक लगा, उसका जो कवच है। वैसे मैंने कई चाइनीज़ मूवी में देखा है जो चाइनीज़ एम्परर्स हुआ करते थे वो पहना करते थे कुछ कुछ, अभी हो सकता है मैं गलत भी हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवील या मैंने घुस के देखा नहीं है। तो ये होता है कि अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को खुद पढ़ें समझे या किसी बोनाफाइड सोर्स से समझें और फिर अगर मूवी देखेंगे ना तो आप देखकर मैनिपुलेट नहीं होंगे, आप इवन सही गलत परख पाओगे। तो ये प्लीज़ मूवी रिलीज होने से पहले कर लेना, आप एक बार अपने भगवद गीता रामायण को अच्छे से पढ़ना फिर आराम से देखना। बाकी मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ से एडवाइस किसी को नहीं करता कि मूवी देख के इस चीज़ें सीखो, मूवीज़ ये लोग खुद बोलते हैं कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाया है, तो जिस पर्पज़ से कोई चीज़ बनी है उसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन निकालना बेवकूफ़ी होगा। मेरा रिएक्शन इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपको अच्छा लगा है और आपको ये टी शर्ट भी अच्छी लगी है आदिपुरुष भगवान राम, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट vrmr.com से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, जितने भी थे आपको अच्छे लगे तो उसके ऊपर भी कमेंट अपनी राय जरूर दें। आपको टीजर कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं और रिएक्शन वीडियोज़ बनाना तो सोचिए मत, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।